हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स, आज से हमारा न्यू सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। सो ओपन यूर रिवियस बुक्स फ्रॉम लेसन 6, स्टेइंग हेल्थी। ओके, पेज नंबर 21। तो आप लोगों को ध्यान से इस लेसन को सुनना है, ओके स्टूडेंट्स, और समझना है। लेट्स वार्म अप। दिस इज विभू, ही गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। व्हाई डू यू थिंक इट इज नेसेसरी? यस, यू आर राइट, टू स्टे हेल्दी एंड फिट। व्हाट आर द अदर थिंग्स यू शुड डू टू स्टे हेल्दी? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये एक बॉय है जिसका नाम है विभू। वो क्या करता है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। वो रोज सुबह टहलने जाता है। ओके, व्हाई डू यू थिंक इट इज नेसेसरी? आपको क्यों लगता है कि ये जरूरी है? क्वेश्चन कर रहा है विभू। रोज घूमने जाता है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि ये जरूरी है? क्या चीज जरूरी है? घूमना। तो यस, यू आर राइट, हाँ आप सही हैं, स्वस्थ और फिट रहने के लिए हमें घूमना जरूरी है। तो यहाँ पर कह रहा है टू स्टे हेल्दी एंड फिट ना। आपको क्यों लगता है कि यह जरूरी है? क्योंकि स्वस्थ और फिट रहने के लिए घूमना बहुत जरूरी होता है, मतलब सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है ना। यस, डू यू आर राइट इन सॉरी, व्हाट आर द अदर थिंग्स यू शुड डू टू स्टे हेल्दी? स्वस्थ रहने के लिए आपको और क्या करना चाहिए? आइए नीचे देखते हैं। वी शुड हैव गुड हैबिट, हमारी कुछ अच्छी आदतें होती हैं। टू कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी, अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने के लिए। विभू ऑलवेज रिमाइंस हेल्दी, विभू हमेशा हेल्दी रहता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ, कैसे रहता है आइए से हम देखते हैं। विभू हैज सम गुड हैबिट्स, विभू की कुछ अच्छी आदतें हैं। सम ऑफ द गुड हैबिट्स दैट ही हैज आर, क्यों? क्योंकि वो इन अच्छी आदतों को अपनाता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। कौन उठता है? विभू, है ना, ये जल्दी उठता है। फिर ही टेक्स बाथ एवरी डे विथ क्लीन वाटर एंड सोप, वह रोज साफ पानी और साबुन से नहाता है। ही कॉम्ब हिज हेयर आफ्टर टेकिंग बाथ, वह नहाने के बाद कंघी करता है। ही वॉश हिज हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग हिज मील्स एंड आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, वह खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद एंड टॉयलेट आने के बाद, ठीक है, वो अपना हैंड वॉश करता है। ही टम्स हिज नेल्स ट्रिम्स हिज नेल्स रेगुलरली टू कीप देयर शॉर्ट्स एंड क्लीन, वो क्या करता है, रोज अपने नाखूनों को क्लीन करता है और उसने काटता है ना। ही एक्सरसाइज एवरी डे, जो विभू है वो रोज एक्सरसाइज करता है। ही प्ले आउटडोर, बाहर खेलने के लिए जाता है, गेम खेलने के लिए जाता है। ही मेक्स हिम हेल्दी एंड एक्टिविटीज, और वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो अपने आप को एक्टिव बनाता है और हेल्दी बनाने के लिए, ठीक है। ही ब्रशेज हिज टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, वह रोज सुबह उठ के अपने दांत साफ करता है और सोने के पहले भी एक बार ब्रश करता है। ओके, ही गो टू बेड अर्ली एट नाइट, इसके बाद वो सोने के लिए जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या देखा कि विभू नाम का एक बच्चा है, वो किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करता है ना। क्या क्या करता है, रोज मॉर्निंग उठ के घूमने के लिए जाता है ना, जल्दी उठता है,
और फिर ब्रश करता है, नहाता है और एक्सरसाइज करता है, रात में सोने से पहले, सोने के बाद, सोने से पहले और उठने के बाद वो ब्रश करता है, खाने से पहले और खाना खाने के बाद वो अपने हैंड वॉश भी करता है। तो उनकी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी आदतें हैं। और तो हमने इस लेसन में यही समझा कि स्टेइंग हेल्दी में स्वस्थ रहना, अतः तो हम स्वस्थ रहने के लिए हमें ये सब चीज़ों को अपनाना चाहिए अपने जीवन में। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इसी तरह से बुक रीडिंग कीजिए, अभी अपना रीडिंग है तो अच्छे से हम, जब तक आप लोगों को अच्छे से रीडिंग करते नहीं बनेंगे, जब तक हम आप लोगों को रीडिंग करवाएंगे। ओके फ्रेंड।